पवन दुतिका को यहाँ से पढ़ेंगे। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, राधा जी पवन दुतिका से कहती हैं कि जिस सदन में श्री कृष्ण बैठे हैं, यह अपन पढ़ा था, जिस सदन में श्री कृष्ण बैठे हैं उस भवन में अगर किसी बागीचे का चित्र हो और वो प्राण विपुल उसमें घूमते बावले से हो और उसमें व्यक्तियों को व्याकुल होकर घूमना हुआ चित्रित किया गया हो, तो जाके सनिकट उसके और हिला के उसे भी देवात्मा को श्रुति ब्रज के व्याकुलों की कराना। तो तुम उसके सनिकट जाकर उसे इस प्रकार हिलाना जिससे कि श्री कृष्ण को ब्रज के ब्रजवासियों की याद आ जाए और उन्हें इस बात का आभास हो कि उनके लिए ब्रजवासी भी इसी तरह व्याकुल होकर घूम रहे हैं। आगे देखते हैं। कोई प्यारा कुसुम कुमला गे में जो पड़ा हो, अगर मार्ग में रास्ते में कोई पुष्प कुमला कर गिर पड़ा हो तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, तो उसको श्री कृष्ण के चरणों में लाकर डाल देना। यूं देना, अय पवन बतला फूल से एक बाला, और हे पवन देव आप उन्हें बतला देना कि इसी तरीके से एक फूल सी बाला मलाना हो कमल पर चूमना चाहती है कि आपके कमलों चरणों को इसी प्रकार चूमना चाहती है। आगे देखते हैं। जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में हो खड़े, अगर श्री कृष्ण किसी उपवन या बागीचे में खड़े हो तो छिद्रों में जा कोणित करना वेणु सी किंचिका को, तो वहाँ पर जो बांस है उस बांस को जाकर इस प्रकार उसमें से प्रवाहित होना कि उन्हें ऐसा लगे कि बांसुरी बज रही हो, वो होवेगी श्रुति उनको स्वर गोपांगना के जो है वंशी श्रवण रुचि में दीर्घ उत्कंठता होती है, और उन्हें इस बात का आभास हो कि जब वो बांसुरी बजाते थे तो जिस प्रकार गोपियाँ उन्हें सुनने के लिए काफी व्याकुल हो जाती थी उसी प्रकार आज भी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठता होती है, उसी वंशी की आवाज को सुनना चाहती है। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जमले ब्यागर हो डू बाना। तो लाके फूलों कमल दल को श्याम के सामने, और फूलों को श्री कृष्ण के सामने लाकर थोड़े थोड़े विपुल जल में प्यार हो डुबाना, जल में इस प्रकार डुबोना इसे उनको इस बात का आभास हो यह बात का आभास हो कि यो देना भगनी जला ए जतला ए अंग भोज नेत्रा अंगों को हो बिरह मधुरा वारी में बोलती है। इस प्रकार तुम उन्हें बता देना कि इसी प्रकार आपकी विरह वेदना में पागल राधा जी अपनी आंखों को दिन रात इसी तरह आंसुओं में भिगो रही है। ठीक, इसके आगे अगले वीडियो में मिलते हैं।